everyone, my name is Pooja Sahar and you're watching Law Putra YouTube channel. So today we discuss communication of offer and accept. Second, revocation of offer. Wow. Section 3 and Section 4 of the Contract Act deals with the communication of offer, acceptance and revocation. So first we discuss Section 3. Section 3 of the Contract Act deals with the communication of offer, acceptance of offer and revocation of offer, and it is deemed to be done by an act or omission by the party of who proposing, who accepting and who revoking. इसका मतलब है कि जो भी हम accept करते हैं, offer करते हैं, revoke करते हैं, वो भी एक act के द्वारा होता है जो हम करते हैं, जिसको हम करते हैं, ठीक है. फिर आता है what is communication of offer. So section 4 of the contract act deals with communication of offers. It complete when it comes to the knowledge whom it is made. मतलब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जब होता है, जब हम जिसको ऑफ़र कर रहे होते हैं उसकी नॉलेज में आ जाता है कि हमने उसको पता चल जाता है कि उसको ऑफ़र किया गया है, तब ये कंप्लीट हो जाता है. फॉर एग्जांपल, ए बाय लेटर प्रपोजेस टू सेल हिज हाउस टू बी. ए ने लेटर लिखा बी को कि वो अपना घर बेचेगा इस प्राइस पर. देन ही सेंड हिज लेटर. व्हेन बी रिसीव्स लेटर देन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कम्प्लीटेड. जब बी को लेटर मिल जाएगा कि उसको ऑफर हुआ है, उसको पता चल जाएगा, तब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कम्प्लीट हो जाएगा. नाउ सेकेंड, व्हाट इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. सेक्शन 4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद दैट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कम्प्लीटेड व्हेन इट इज़ इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन और इट इज़ आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर एंड व्हेन इट इज़ कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर. फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया और हम उसको बता रहे हैं, हमारे मुंह से निकल चुका है या फिर हमारा लेटर जा चुका है, हमारे पावर में नहीं है, वो कोर्स इन एक्शन में है और हमारी तरफ से हो चुका है और उसको पता चल जाएगा. जब उसको वो लेटर मिल गया, उसको पता चल जाएगा, तो हमारा एक्सेप्टेंस कम्प्लीट हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने लेटर लिखा बी को टू सेल हिज कार टू बी एंड बी रिसीव्स इट. नाउ बी अगेन पोस्टेड द लेटर फॉर एक्सेप्टेंस एंड इट इज़ कम्प्लीट as against B when it is posted and it is complete when it is comes in the knowledge of the offerer at against B. मतलब उसने B ने post कर दिया letter, तो उसकी तरफ से acceptance complete हो गया. जब उसको A को मिल जाएगा तो उसकी तरफ से भी acceptance हो जाएगा. Now एक contract जब बनता है when two parties come in it and one of them party offer to another party and accepted by another party, ठीक है. पर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैन पार्टी आर इज टू फेस कॉन्ट्रैक्ट, तो नो, देर इज़ नो प्रॉब्लम. तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब भी ऑफर होता है और सामने से एक्सेप्टेंस आ जाता है, रिवोक का तो कोई चांस नहीं होता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है. वैन इट कम टू द नॉलेज, और जब हम सामने वाला जब पूरी तरह सुन लेता है कि हाँ उसने ऑफर दिया था और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, नहीं तो नहीं बनता. नहीं तो उसको दोबारा बोलना पड़ेगा कि उसने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, नहीं तो उसको सुनना. ऐसे ही देर आर, जब वो लोग आमने सामने नहीं होते, दे आर इन डिस्टेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट दे कैन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू टेलीग्राम, टेलेक्स और यूजिंग मेल एक्सेट्रा. सपोज इफ वी डूइंग आ कॉन्ट्रैक्ट ओवर द फोन, सो इफ वी ऑफर द फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट एंड द टेलीफोन कॉन्ट्रैक्ट इज सेम, दे आर सेम थिंग्स. बट अगर हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं और हमारी फ़ोन लाइन कट हो गई है, तो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है और उसने एक्सेप्टेंस नहीं सुना हमारा ऑफरर ने, तो देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट. उसको पता ही नहीं है कि उसने एक्सेप्ट किया है. जब तक वो सुन नहीं लेगा कि एक्सेप्टेंस हुआ, जब तक सुन नहीं लेगा फ़ोन पर, तब तक नहीं होगा, तब तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, तो उसे दोबारा बोलना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सुनने में जब सुन लेगा तभी पूरा हो पाएगा. और कॉन्ट्रैक्ट में फ़ोन लाइन में ये भी होता है कि रिवोकेशन का कोई चांस नहीं हो पाता, क्योंकि हम जब भी हम ऑफर देते हैं और हमारे तरफ से एक्सेप्टेंस आ जाता है, तो ये होता है. नाउ वी कवर रिवोकेशन ऑफ ऑफर. सेक्शन 4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विथ यू, इट मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज डन व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ दैट पर्सन एंड इट इज़ व्हेन इट इज़ इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. सो फॉर एग्जाम्पल, ए प्रपोजेज बाय लेटर टू बी टू सेल हिज हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस. ए ने बी को बोला लेटर लिख के कि मैं तुम्हारा घर बेचूंगा इतने प्राइस पे. अब ए को अपना प्रपोजल, जो उसने प्रपोजल किया है, उसे रिवोक करना है, तो उसने अपने टेलीग्राम से उसने उसको भेजा रिवोक, तो वो रिवोक कर सकता है जब तक बी को लेटर ना मिले, उससे पहले उससे उसके बाद वो नहीं कर सकता. तो
Revocation of offer is done by the following ways. First, by notice of revocation. Second, by lapse of time. Third, by the failure of the acceptor to fulfill certain condition. Fourth, by debt and insanity of the proposer. Fifth, by rejection of the offer. And sixth, by supervening impossibility. So we discuss one by one each and every point. First point, by notice of revocation. Section 6, sub clause 1 deals with that. The communication of revocation is done by the proposer to other party. वो जब तक रिवोक कर तक इसमें बोला गया है कि वो जब तक रिवोक कर सकता है जब तक ऑफरी को वो पता नहीं चला हो. अगर ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया हो ऑफर, उसके बाद वो रिवोक नहीं हो सकता. उसके एक्सेप्ट करने से ही पहले उसको वो रिवोक करना होगा, अदरवाइज इट विल नॉट विल रिवोक. एंड जैसे कि ए ने सपोज ए ने लेटर लिखा बी को कि वो अपना घर बेचेगा एट सर्टेन प्राइस एंड बी रिसीव्स इस लेटर. अब नाउ बी सेंड टू इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. बिफोर सेंडिंग दिस लेटर ए हैव टू रिवोक दिस लेटर. बी उससे पहले उसे लेटर भेजे, उससे पहले उसे लेटर भेजना होगा बी को. तो ए को बी से पहले लेटर भेजना होगा कि वो ऑफर नहीं हो सकता. तो मतलब दिस इज रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय नोटिस. देयर इज अ रिवोकेशन ऑफ बिड. जब हम बिड लगाते हैं ऑक्शन में तब तक हैमर नहीं बजता, उससे पहले हमें रिवोक करना होता है कि हमें नहीं करना. अगर हैमर हो गया फिर उसके बाद नहीं हो सकता. और या तो फिर सिमिलरली हैमर हो चुका है पर उसके बाद हमारी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है सक्सेसफुली, उससे पहले हमें रिवोक करना होगा, उसके बाद रिवोक नहीं हो सकता. एंड देर इज़ अ रिवोकेशन ऑफ जनरल ऑफर ऑल्सो. समटाइम आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में हमारे पास ऑफर आते हैं तो उसको रिवोक करने का तरीका भी उसे सेम मीडियम से हमें करना होगा. तो हमने रिवोक कर दिया पर पब्लिक को नहीं पता उस बारे में, तो उसे पता चल जाएगा अगर वो जब भी वो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है और वो चीज़ वो उस ऑफर में कर रहा है और हमने रिवोक वाला ऑप्शन भेज दिया, उसे नहीं पता तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. सेकेंड आता है बाय लैप्स ऑफ टाइम. सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद दैट बाय द लैप्स ऑफ टाइम ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज टू बी डन इज फॉर एक्सेप्टेंस. समटाइम्स ये होता है कि हम जो ऑफर होता है वो ऑफरी को कुछ टाइम देता है कि विद इन द टाइम ऑफ दिस अंटिल 5:30 PM ऑफ 12 जून और 15 अगस्त यू हैव टू बी एक्सेप्टेड, आफ्टर इट वर्ड्स इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. मतलब इसके बाद अगर आप भेजोगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके पास इतने समय तक का, सैटरडे तक का टाइम है, आज मंडे तो फ्राइडे तक हमारा एक्सेप्टेंस भिजवा देना, उसके बाद हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो अपने आप रिवोक हो जाता है. फिर थर्ड आता है बाय फेलर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल सर्टेन कंडीशन. सेक्शन 6 सब क्लॉज 3 प्रोवाइड्स दैट बाय द फेलर ऑफ सर्टेन कंडीशन द प्रपोजल इज रिवोक. फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें गुड सेल करूँगा अगर तुम मेरे कंपटीटर्स को गुड ना भेजो. ठीक है, अगर बी जब भी उसको अपने उस ए के कंपटीटर्स को गुड्स भेज रहा है तो इसका मतलब यह है कि ऑफर रिवोक हो चुका है, बी ने एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि वो उसको अभी भी गुड सेल कर रहा है, उसने ए की ऑफर को नहीं माना, तो मतलब वो वाला ऑफर ख़त्म हो चुका है. फोर्थ आता है बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर. सेक्शन 6 सब क्लॉज 4 डील्स विद द दिस वन डेट. अगर प्रपोजर का जो जिन्हें ऑफर दिया था उसकी डेथ हो जाती है, इंसैनिटी तो कॉन्टैक्ट रहता ही नहीं है. जैसे कि अगर मैं एक्सेप्ट करने वाली थी ऑफर और मुझे पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है एक्सेप्ट करने से पहले, तो कॉन्टैक्ट वहीं ख़त्म हो जाएगा. अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद डेथ होती है तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, पर मेरे एक्सेप्ट करने से पहले मुझे पता चल गया कि उसकी डेथ हो चुकी है, कि वो नहीं रहा, कुछ हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर ख़त्म हो जाएगा. फिफ्थ आता है बाय रिजेक्शन ऑफ ऑफर. रिजेक्शन ऑफ ऑफर में ये होता है द ऑफरी कैन रिजेक्ट हिज ऑफर बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. इम्प्लाइड रिजेक्शन का मतलब होता है कि वो दूसरा काउंटर ऑफर कर दे कि नहीं मुझे 1000 rupees में नहीं चाहिए, मुझे 500 rupees में चाहिए, तो मतलब पहले वाला ऑफर अपने आप ही रिवोक्ट हो गया, जिसे बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ ऑफर. लास्ट आता है बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी. तो सुपरवेनिंग मतलब इलीगली हो ही नहीं पाएगा, कैसे होगा कॉन्टैक्ट में, मतलब इलीगली बिकम इलीगल. जैसे कि ए ने बोला कि मैं अपनी कार को दूंगा, कार बेचूंगा, बी ने एक्सेप्ट कर ला, बी उससे पहले एक्सेप्ट करे, एक ही कार पुट ऑन फायर, मतलब एक ही कार जल गई, नहीं रही, फिर फायर एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वो कार ही नहीं रही तो कॉन्टैक्ट किस बात का होगा. तो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट. थैंक यू. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब.